Now, the topic is, this is your page number 112, and next topic is punctuation. Punctuation mark. Punctuation mark. On kaun sa page? Beta, page number 112. Punctuation mark. In punctuation mark, first is your full stop. First is full stop. So where we put full stop? हम full stop कहाँ लगाएंगे? A full stop is. पहले बताना कल मैंने class leave कर दी थी तब तो मैंने ऊपर वाला काम नहीं किया. Mute your mic बेटा. Full stop. A full stop is always used at the end of the sentence. जब भी हमारा कोई सेंटेंस कंप्लीट होता है, वी यूज फुल स्टॉप एट द एंड. इट लेट अस नो दैट द सेंटेंस हैज कम टू द एंड. और ये सो अब हम जानेंगे कि कैसे हम लोग जो हैं सेंटेंस वेयर वी यूज फुल स्टॉप. Okay, just wait. Now, a full stop is also known as a period. A full stop ko aur kya kehte hain? Full stop is also known as a period. Usse period bhi kaha jata hai. And where we use full stop in the end of the sentence. Jab bhi hamara koi sentence complete hota hai. At the end, we use full stop. For example, this is a doll. This is a doll. This is a doll. Now, doll. Doll के end में देखिए ये red color का dot लगा है. That is full stop. This is a doll. Class for you. गिव मी अ पेन एंड इरेजर. जब हमने एक सेंटेंस बनाया, गिव मी अ पेन एंड इरेजर. गिव मी अ पेन एंड एन इरेजर. सो वी यूज फुल स्टॉप इन द एंड. सो हमने कौन सा क्या चीज कौन सा पंक्चुएशन मार्क लगाया? फुल स्टॉप इन द एंड. तो पंक्चुएशन मार्क में फुल स्टॉप ही नहीं आता है. हर क्वेश्चन के एंड में फुल स्टॉप ही नहीं लगता है. कुछ क्वेश्चंस के एंड में क्वेश्चन मार्क भी लगता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट इज क्वेश्चन मार्क. सेंटेंस दैट आस्क समथिंग. एक ऐसा सेंटेंस जो हमसे कुछ पूछ रहा है. एंडिंग विद अ क्वेश्चन मार्क. जब कोई हमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई भी चीज पूछी जा रही है, देन एंडिंग विद द क्वेश्चन मार्क. तो हम एंड किससे करेंगे? क्वेश्चन मार्क से. सो दिस इज द साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क. दे आर कॉल्ड क्वेश्चंस. और हम उन्हें क्या कहते हैं? क्वेश्चंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? So we put question mark in the end. So हमने end में क्या लगाया है? Question mark लगाया है. Are you coming with me? Next is, are you coming with me? क्या तुम मेरे साथ आओगे? हमने क्या पूछा है? Question पूछा है. When you ask question, put full question mark in the end. There are some example.
फॉर एग्जाम्पल वट इज योर नेम, इज दिस अ क्वेश्चन, वी पुट क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप इन द एंड. मैम इज आस्किंग अ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन और अ सिंपल सेंटेंस. मैम आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं या सिंपल सेंटेंस पूछ रहे हैं? इज योर नेम, अनम्यूट योर माइक एंड आंसर बेटा. क्वेश्चन मार्क योर नेम, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क पूछा है मैम ने आपसे, क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है, दैट्स व्हाई वी पुट क्वेश्चन मार्क. इसलिए हमने क्या लगाया है? क्वेश्चन मार्क लगाया है. वेरी गुड. ओके नाउ आंसर क्या होगा इसका? व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस सेंटेंस? माय नेम इज अदित्य. ओके वेरी गुड. सो सी हियर, माय नेम इज यामिनी ठाकुर. पंक्चुएशन मार्क. मैम ने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, दिस इज अ क्वेश्चन, व्हाट इज योर नेम, ये क्वेश्चन है, देन वी पुट क्वेश्चन मार्क इन द एंड. सो मैम ने क्या राइट किया? क्वेश्चन मार्क राइट किया. बट मैम गिव्स आंसर, जब मैम ने आंसर दिया, फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज, मैम आंसर कर रहे हैं माय नेम इज सपना. अब जब मैम ने अपना आंसर दिया तो मैम ने क्या लगाया एंड में? फुल स्टॉप. क्या लगाया मैम ने? फुल स्टॉप लगाया. और एक और चीज आप जो रिमाइंड करेंगे, मैम ने फर्स्ट वर्ड कैपिटल में राइट किया है, माय का एम कैपिटल में है, वर्ड का डब कैपिटल में है. जब मैम ने आंसर में अपना नेम राइट किया है, देन फर्स्ट अल्फाबेट मैम ने कैपिटल में राइट किया है. तो किसी का भी नेम जो है वो किस में आता है? कैपिटल लेटर में. किस में आएगा? कैपिटल लेटर में आएगा. ओके डन. बेटा एनी डाउट, एनी क्वेरी, किसी को कुछ समझ में ना आया हो, मैम रिपीट करवा देंगे. बेटा मैम मेरे को नहीं आया. क्या चीज नहीं आई? एक्सक्यूज मी मैम. यस मैम एक बार एक्सप्लेन करने दो. एक बार. ओके ओके जस्ट म्यूट योर माइक. लिसन नाउ, मैम पूछ रही हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज योर नेम. ओके नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट इज योर फादर नेम. मैम ने पूछा व्हाट इज योर फादर्स नेम, फादर्स नेम. Be put question mark. मैम ने क्या पूछा है? What is your father name? मैम ने क्वेश्चन पूछा आपसे. So मैम ने फर्स्ट अल्फाबेट कैसे राइट किया? Because we write first alphabet in capital letter. जब भी हम फर्स्ट अल्फाबेट राइट करेंगे वो कैपिटल लेटर में आएगा. ओके नाउ जब मैम ने आपसे क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज योर फादर्स नेम, आपके पापा का क्या नेम है, फादर्स नेम, नेम पूछा है, व्हाट इज क्या नेम है, क्वेश्चन पूछ रहे मैम, देन पुट क्वेश्चन मार्क. तो हम क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. ठीक है. ओके नाउ आंसर. अब मैम आंसर दे रहे हैं, अब आंसर देंगे माय फादर्स नेम इज, माई फादर्स नेम इज मिस्टर डैश. जो भी है आपके पापा का नेम आपने राइट कर दिया, देन पुट फुल स्टॉप इन द एंड. जब आपने अपने पापा का नेम राइट कर दिया मिस्टर डैश, तो हमने क्या लगाया एंड में? फुल स्टॉप.
we put full stop in the end. ओके okay. अब हमने जो भी नेम राइट करना है मिस्टर एम कैपिटल में आएगा. फॉर एग्जाम्पल फादर नेम हमने राम राइट कर दिया राम. सो आर ए एम राम का आर मैम ने कैपिटल में डाला है बिकॉज किसी का भी नेम का फर्स्ट अल्फाबेट हम कैसे राइट करते हैं कैपिटल लेटर में. Is this clear? Any doubt, any query, beta? There are so many questions. Where do you live? आप कहाँ रहते हैं? Where do you live? What? Where? How? Who? When? जब भी हम इन क्वेश्चन इन चीज इन वर्ड्स का यूज करते हैं मैक्सिमम एंड में क्वेश्चन मार्क लगता है. ओके जब हम इन वर्ड्स का व्हाट वेयर हाउ व्हेन जब हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं वी पुट क्वेश्चन मार्क इन द एंड क्योंकि ये चीजें जो है वो क्वेश्चन के लिए यूज की जाती है. ओके Any doubt, beta? If you have yes, any ma'am, doubt, ma'am. जो आपने कल मैं कल को मैं कल